हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक्नोबिस्ट इंडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ईयरबड्स अंडर 1500। तो दोस्तों, ये हेडफोन सिलेक्ट करते वक्त मैंने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है, जैसे कि वो लो लेटेंसी हो, उसमें आपको ENC टेक्नोलॉजी देखने मिले, बैटरी बैकअप अच्छा हो और लुक्स को हम कैसे ही भूल सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है, आप भी मेरा थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा बढ़ते हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, नंबर 5 पे आते हैं मीवी डुओपॉड्स A550। तो दोस्तों, इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग देखने मिल जाती है, उसके साथ 10 मिनट के चार्जिंग पे आप इसे 5 घंटे तक यूज कर सकते हो। फुल चार्ज पे आप इसे 50 आवर्स तक यूज कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें आपको 13 mm के ऑडियो ड्राइवर्स देखने मिलते हैं, तो वॉइस क्लियरिटी बहुत अच्छी है, बेस भी बहुत अच्छा देखने मिलता है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ इसकी IP रेटिंग की, तो इसमें IPX4 रेटिंग आपको देखने मिल जाती है, तो डस्ट एंड वाटर प्रूफ ये है ही। उसके साथ 5.1 ब्लूटूथ वर्जन आपको देखने मिल जाता है और आपको 50 ms तक की लो लेटेंसी देखने मिल जाती है। और ENC टेक्नोलॉजी में आपको इसमें 4 माइक देखने मिलते हैं, मतलब पर हेडफोन 2 माइक आपको देखने मिलेंगे। तो इसमें ENC टेक्नोलॉजी वो बहुत अच्छे से काम करती है, तो अगर आपको कॉलिंग वगैरह के लिए ज़्यादा हेडफोन्स आप यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत सही है। और इनकी प्राइस है 1099 rupees, तो 1100 rupees के लिए 1 rupee कम है, बट ये प्राइस में वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं हमारे नंबर 4 ईयरबड्स, जो कि हमारे ट्रूबड्स प्रो है। इसमें भी आपको टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट देखने मिल जाता है, 10 मिनट के चार्जिंग पे 2 घंटे तक आप इसे यूज कर सकते हो। फुल जो हम इसका बैटरी बैकअप है वो है 50 आवर्स तक का, और उसके साथ आपको 12.4 mm ड्राइवर्स देखने मिल जाते हैं, IPX4 रेटिंग देखने मिल जाती है, तो वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ तो ये है ही। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन जो है वो 5.2 देखने मिलता है, लास्ट वालों में 5.1 था, इसमें आपको 5.2 देखने मिल जाता है। ENC टेक्नोलॉजी इसमें सपोर्ट करती है, और उसके साथ गेमर्स के लिए 50 ms लेटेंसी आपको इसमें देखने मिल जाती है, तो गेमिंग भी आपकी बहुत सही होने वाली है। तो दोस्तों, इसका और एक फीचर है जो कि है इसका बैटरी परसेंटेज आपको चार्जिंग केस पे देखने मिल जाता है, तो इसका लुक तो जो है वो बहुत सही है। बट दोस्तों, इसकी प्राइस जो है वो है 1599। बट दोस्तों, ओवरऑल इसका लुक, इसका परफॉर्मेंस सबको अगर आप कंसीडर करो तो 1599 इज वैल्यू फॉर मनी। और ये मैंने इसके लिए कंसीडर किया क्योंकि बिग बिलियन डेज में ये 1300 से लेकर 1400 तक आपको देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं हमारे नंबर 3 ईयरबड्स, जो कि है हमारे नॉइस बड्स VS104। तो दोस्तों, इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग देखने मिल जाती है, 10 मिनट पे आपको ये 2.5 आवर्स तक का प्ले टाइम दे देते हैं। उसके साथ इसमें आपको ENC टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, 13 mm के ड्राइवर है, तो इसमें आपको ऑडियो जो है वो बहुत सही आता है। और अगर मैं पहले 2 ईयरबड्स को कंपेयर करूँ तो उनसे बहुत अच्छा बेस आपको इसमें देखने मिलता है। उसके साथ IPX5 रेटिंग आपको देखने मिल जाती है, तो वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ तो ये है ही। उसके साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आपको देखने मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको 1499 rupees में देखने मिल जाती है, तो ये भी हमारे 1500 के अंदर है और वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आपको नॉइस कंपनी से कोई ईयरबड्स खरीदने हैं और 1500 के अंदर खरीदने हैं, तो ये आपके लिए बहुत सही होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं हमारे नंबर 2 ईयरबड्स के बारे में, जो कि है वीकूल कंपनी के तरफ से मूनवॉक M4। तो दोस्तों, इसमें भी आपको टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट देखने मिल जाता है, 10 मिनट के चार्जिंग पे 2 घंटा आप इसे यूज कर सकते हो। उसके साथ इसका ओवरऑल जो प्ले टाइम है वो है 48 आवर्स का, 12 mm के ड्राइवर्स के साथ ये आते हैं, तो इसमें भी आपको बेस वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से सुनने मिलता है, मूवी एक्सपीरियंस इसमें बहुत सही है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ इसके ब्लूटूथ वर्जन की, तो दोस्तों इसमें आपको 5.3 ब्लूटूथ वर्जन देखने मिलता है, तो आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होने वाली है इसमें। उसके साथ इसमें आपको 55 ms का लो लेटेंसी देखने मिलता है, तो गेमर्स के लिए बहुत सही है क्योंकि इसमें आपको ग्रीन कलर की LED मिलेगी आपके चार्जिंग केस पे भी और आपके एयरबड्स पे भी, तो लुक वाइज भी ये बहुत सही है। और दोस्तों, इसकी प्राइस जो है वो 1059 है फिलहाल। तो दोस्तों, इस प्राइस रेंज में अगर आपको ऐसे गेमिंग लुक वाले एयरबड मिल रहे हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, ये जो एयरबड्स है इनका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक जो है मैं यहाँ पे आई सिंबल में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके इसका फुल रिव्यू भी देख सकते हो। तो दोस्तों, फाइनली हमारे नंबर 1 एयरबड्स नंबर 1 क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये है बोट एयरडॉप्स 190। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको गेमिंग भी चाहिए, LED भी चाहिए, लो लेटेंसी भी चाहिए और कॉलिंग के लिए भी अच्छे चाहिए, तो ये सारी फैसिलिटी आपको इसमें देखने मिल जाएगी क्योंकि इसमें टाइप सी चार्जिंग आपको देखने मिल जाती है। 10 मिनट के चार्जिंग पे आपको 3 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम इसमें देखने मिल जाता है, और इसमें 40 आवर्स तक का ओवरऑल प्ले टाइम आपको देखने मिल जाता है। इसमें ड्राइवर जो है वो 10 mm ड्राइवर्स आपको देखने मिलेंगे, और IPX4 रेटिंग देखने मिल जाती है, तो डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ तो ये है ही। और जो ब्लूटूथ वर्जन है वो इसमें आपको 5.3 देखने मिलेगा, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बहुत सही होने वाली है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ इसके खास फीचर के बारे में, तो इसमें आपको ब्रीदिंग LED देखने मिलती है, तो लुक्स में तो ये बहुत सही है।
इसके पहले जो चार एयरबड्स हमने देखे उसमें लुक वाइज अगर मुझे सबसे अच्छे लगे तो ये थे, और इनकी प्राइस भी 1399 है, मतलब 1500 तो छोड़िए 1400 से भी एक रुपए कम में आपको ये मिल रहा है। तो इस प्राइस रेंज में ये सारे फीचर्स के साथ अगर आपको ये मिल रहा है तो ये वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 5 एयरबड्स अंडर 1500। तो दोस्तों आपको क्या लगा, या आपके दिमाग में कोई और एयरबड है तो आप मुझे सजेशन में बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। और दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सारे एयरबड जो मैंने आपको बताया उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अगर आपको चेकआउट करना है तो वो लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो यहाँ पे लाल कलर का बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। We'll be right back.